छोटे सरकार जिंदाबाद, छोटे सरकार विजयी हो, छोटे सरकार जिंदाबाद, छोटे सरकार विजयी हो। तीन, दो, एक, छोटे सरकार जिंदाबाद, 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 छोटे सरकार जिंदाबाद। तुम लोगों ने खूब साथ दिया है हमारा, अच्छे दोस्तों। दोस्त है तो क्या, इतना भी नहीं करेंगे। हाँ बस मुझे कुश्ती के लिए मत बुला लेना। हाँ हाँ, हम जीत जाए फिर इनाम अपने दोस्तों को भी तो बांटेंगे। कितनी उदास होगी रेनू, रो रही होगी, और मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकती। आईने मना जो कर दिया है। मेरी बारी है। आई और दाची अभी तक नहीं आए। जब तक आई और दाची हाँ नहीं बोल देते, तब तक मैं बाहर कैसे जाऊंगी? बरोबर बोला, और वो दोनों जल्दी नहीं आने वाले, इसलिए आज तू भी बाहर नहीं जा सकती। अरे अब खड़े क्या है, जान दर अपने कमरे में। लेकिन गए कहाँ है दोनों? आई तो कभी भी इतनी देर के लिए बाहर नहीं जाती। अरे रेनू के घर गए हैं, कोई मर जाता है तो मिलने जाना पड़ता है ना। बहुत लोग होंगे वहां पे, आई बाबा को आने में समय तो लगेगा। पर तू रेनू के घर नहीं जा सकती, इसलिए हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। आई बोल के गई है, तू जा अपने कमरे में। रेनू मेरी सहेली है या आई और दाजी की? मुझे मना कर दिया और खुद चले गए। कितने सुंदर बाल है तेरे, अगर तू उनका ख्याल नहीं रखेगी तो खराब हो जाएंगे ना। हम लोग ना एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त हैं। चाहे तू अपने ससुरवाड़ी में रहे और मैं यहाँ, हम दोनों तो सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे। आपको पता है ना, नदी किनारे शिवलिंग के सामने ही कहा था मैंने। अब आप ही बताइए खंडोबा, मैं अपनी कसम कैसे तोड़ दूं? रेनू को अकेले ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं? जाना तो पड़ेगा रेनू के पास, फिर से वही करना पड़ेगा जिसके लिए दाजी ने मुझे मना किया। फिर से दाजी गुस्सा हो जाएंगे, मुझे पता है। इसलिए मुझे माफ कर दो खंडोबा। अच्छा और कोई है जो हमें चुनौती देना चाहता है? आओ हमारे सामने। कुछ मत बोलो, उन्होंने मुझे मना किया था घर से बाहर निकलने के लिए, फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी और यहाँ आ गई रेनू से मिलने। देखा कितनी शान से बता रही है ये कि अपने आई बाबा की बात नहीं मानी। ऐसी लड़कियों को विधवाओं के आसपास भी नहीं रहना चाहिए, पता नहीं क्या क्या सिखा देगी उसको। बड़ा कठिन होता है विधवा का जीवन, किसी तपस्या से कम नहीं, समझी? सही कहा आई, पति के बिना जीना जीते जी नरक के समान। पिछले जन्म के पाप का ही फल है, और क्या, इस जन्म में धर्म कर्म में मन लगाएगी तभी मुक्ति मिलेगी हमारी रेणु को। लेकिन ये लड़की तो मेरी विधवा पोती को नरक में डालना चाहती है। माफ करना मानकू जी, बार बार धर्म और पूजा पाठ के विरुद्ध जाने की गलती पूरे गांव में बस आपकी लड़की करती है। आप इस गांव के पाटिल हैं, आपकी अपनी बेटी ऐसी गलती करेगी
तो लोगों पे क्या असर पड़ेगा? जरा सोचिए, मेरी बेटी रेनू का जीवन तो बर्बाद हो चुका, अब अहिल्या की कृपा से क्या स्वर्ग भी नसीब नहीं होगा इसे। अहिल्या के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं दत्ता जी, लेकिन अहिल्या ने जो भी किया अनजाने में किया है। उस बच्ची को क्या पता कि विधवा जीवन क्या होता है, कैसे नियमों का पालन करना पड़ता है। वो तो अपनी सहेली के लिए मिठाई लेकर आई थी, उसका दुख बांटने आई थी। और एक बात कहूं दत्ता जी, अहिल्या की नादानी के लिए ईश्वर आपके रेणु को पाप का भागी नहीं बनाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। पर मांको जी, कब तक अपनी बेटी की भूल के लिए आप माफी मांगते रहोगे, और कब तक अहिल्या के कारण सारे गांव को परेशानी झेलनी पड़ेगी, बताओ। चलो, जो हुआ सो हुआ, पर आप कभी भी अहिल्या मेरी बेटी रेणु से नहीं मिलेगी। कुछ नहीं जानता, तुम रेनू से नहीं मिलोगी तो नहीं मिलोगी, बस। अब तुम लोग इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने रेनू को खरवस दिया ना, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। तेरा क्या भरोसा, तू तो रेनू के लिए चंदन चुरा कर लाने वाली है ना। मैंने सब कुछ सुन लिया है, तेरी आजी बेकार की बातें करती है। चंदन गंदा वंदा नहीं होता है, मैं तेरे लिए लाऊंगी। यदि एक विधवा धर्म के विरुद्ध आचरण करेगी तो उसका परिणाम सारे गांव को भुगतना पड़ेगा, इसलिए अहिल्या रेणु से ना मिले, इसी में सबकी भलाई है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।